दोस्तों एक बार फिर से सभी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। फाइनली सर्कुलर आ चुका है। चलिए हम देखते हैं जल्दी से इम्पॉर्टेंट ड्यू डेट्स जो एक्सटेंड हो चुकी हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्यू डेट एक्सटेंशन। वन बाय वन हम देखेंगे द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और इंटीमेशन और अप्रूवल अंडर सेक्शन 1023(c)(12)(a) और 80G इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड ऑन और बिफोर। आपको 30 जून तक फाइल करनी थी, एक्सटेंड किया गया था 31 अगस्त तक, अब इन्हें फिर से एक्सटेंड कर दिया गया 31 मार्च 2022 तक। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल अंडर सेक्शन 1023(c)(12)(a) और 80G ऑफ द एक्ट इन फॉर्म 10A की जो डेट है वो 31 मार्च 2022 तक कर दी गई है एक्सटेंड। एंड फॉर्म 10AB जिसके लिए लास्ट डेट है 28 फरवरी 2022 वो एक्सटेंड कर दी गई है 31 मार्च 2022 तक। इक्विजिशन लेवी स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 1 फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो आपको फाइल करनी थी 30 जून जिसे एक्सटेंड किया गया था 31 अगस्त तक वो एक्सटेंड कर दी गई है 31 दिसंबर 2021। क्वार्टरली स्टेटमेंट 15CC जो कि इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमिटेंस फॉर क्वार्टर एंडिंग 30 जून 2021 जो आपकी एक्सटेंड की गई थी 31 अगस्त तक उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया है 30 नवंबर 2021 तक। क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है फॉर्म 15CC फॉर द क्वार्टर 30 सितंबर 2021 को जो क्वार्टर एंड हो रहा है वो भी एक्सटेंड कर दी गई है 31 दिसंबर 2021 तक। अपलोडिंग ऑफ द डिक्लेरेशन रिसीव फ्रॉम रिसीपेंट इन 15G and 15H क्वार्टर 30 जून 2021 की एक्सटेंड कर दी गई है 30 नवंबर 2021 तक। अपलोडिंग ऑफ डिक्लेरेशन इन 15G 15H क्वार्टर जो एंड हो रहा है 30 सितंबर को उसकी डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है 31 दिसंबर 2021 तक। उसके बाद सॉवरेन वेल्थ फंड की जो डेट्स हैं उनको भी एक्सटेंड कर दिया गया है जो कि 30 जून क्वार्टर एंड हो रहा है उसकी 30 नवंबर तक और जो 30 सितंबर क्वार्टर एंड हो रहा है उसकी 31 दिसंबर तक। इसके बाद इंटीमेशन टू बी मेड बाय पेंशन फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट मेड बाय इट इन इंडिया इन फॉर्म 10BBB जो क्वार्टर एंड हो रहा है 30 जून तक उसे एक्सटेंड कर दिया है 30 नवंबर तक। और सेम जो पेंशन फंड के लिए इंटीमेशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय इट इन इंडिया इन फॉर्म 10BBB जो क्वार्टर एंड हो रहा है 30 सितंबर को उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है 31 दिसंबर तक। इंटीमेशन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी रेजिडेंट इन इंडिया उसकी कर दी गई है 31 दिसंबर 2021 तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है जो दी गई है इस सर्कुलर में। इस सर्कुलर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से डिटेल में इन्हें देख लीजिएगा।